हाई एवरीवन, दिस इज़ शालिनी एंड यू ऑल आर वेलकम टू माई चैनल स्वीट शालिनी सिंह। सो आज मैं आप सभी के साथ बनाना शेक की रेसिपी शेयर करूँगी, सिर्फ तीन इन्ग्रीडियंट के साथ, दूध, चीनी और केले। सिर्फ तीन इन्ग्रीडियंट्स मैं इसमें यूज़ करूँगी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी रेसिपी। बट उससे पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं एक जार लूँगी, उसमें मैं डालूँगी दो बनाना, मतलब कि दो केले मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पर मैं दो ग्लास बनाना शेक बनाने जा रही हूँ, तो दो ग्लास के लिए मैंने यहाँ पर दो केले लिए हैं और दो चम्मच के आसपास मैं इसमें डालूँगी चीनी। बट मैं इसमें थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो दो से ढाई चम्मच के आसपास मैंने इसमें डाल दी है चीनी। एंड नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध और मलाई, पूरा ग्लास दूध का नहीं डालना है अभी हमें इसमें, थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हम इसको 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से फर्स्ट या फिर सेकंड मोड पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, जो बनाना और चीनी है वो दूध मलाई के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और ये स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। देन मैं इसमें जो बाकी बचा हुआ दूध है वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ दो ग्लास दूध, तो एक ग्लास मैं इसमें दूध और डालूँगी और इसको भी हम 20 से 30 सेकंड के लिए दो बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, मिला लेंगे, ताकि हमारा जो शेक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी बनाना जो भी है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। सो 20 से 30 सेकंड चलाने के बाद, दो बार मैंने इसको चला लिया था, एंड देखिए हमारा बनाना शेक तैयार हो गया है, कितना सिंपल है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सो यहाँ पर मैंने दो ग्लास लिए हैं, इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है बनाना के पीस के साथ, एंड अब मैं इसमें पोर करूँगी हमारा बनाना शेक। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, सिर्फ तीन इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करे हैं। अगर आप इसमें चाहें तो और बहुत कुछ डाल सकते हैं, आप इसमें आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, चेरीज़, पिस्ता, बादाम, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें डालकर इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी बनाना के पीसेस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट ये अच्छे लगते हैं जब आप पीते हो बनाना शेक, अगर आप स्पून के साथ भी लेते हो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा बनाना शेक बनकर रेडी है। आप चाहें तो आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं, मैंने फ़िलहाल इसमें नहीं डाली है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिलीशियस लगता है, समर्स में आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पर, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।